एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्लास सिक्स क्वेश्चन नंबर एक दस हजार नौ सौ निन्यानवे के बाद अगली तीन प्राकृतिक यानी संख्याएं लिखनी हैं अब नेचुरल संख्याएं हमारी होती हैं नंबर एक दो तीन चार पाँच छः से लेकर आगे तक अब मान लीजिए ये दस हजार नौ सौ निन्यानवे की जगह हम पहले छोटी सी एक संख्या लेते हैं मैं आपसे कहती हूँ पाँच के बाद अगली तीन संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ बतानी हैं आपको तो पाँच और इसमें आप बताएंगे अगली क्या होगी छ फिर इससे अगली क्या होगी सात और इससे अगली क्या होगी आठ ये मैंने इसलिए आपको डालकर बताया ताकि आपको पता चले कि हम अगली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ते चले जा रहे हैं तो इस सवाल में भी हमें यही करना है कि अगली प्रकृति संख्या निकालने के लिए हमें दस हजार नौ सौ निन्यानवे में एक जमा कर देना है नौ और एक दस नौ और एक दस नौ और, और एक दस हासिल एक ये आई ग्यारह हजार क्योंकि हमें तीन निकालनी है पहली ये हो गई अब इससे अगली हमें ग्यारह हजार में फिर एक जमा कर देंगे एक जीरो जीरो एक एक ग्यारह हजार एक अब तीसरी निकालने के लिए हम इसमें एक और जमा कर देंगे एक और एक दो जीरो जीरो, जीरो एक एक तो हमारी दस हज़ार नौ सौ निन्यानवे की अगली तीन प्राकृत संख्याएं ग्यारह हजार ग्यारह हजार एक और ग्यारह हज़ार दो हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्लास सिक्स क्वेश्चन नंबर दो दस हजार एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखनी है इसमें आपको यहाँ पर हमें पूर्ण संख्याएं दी गई हैं नेचुरल नंबर्स हमारे एक दो तीन चार होते हैं और होल नंबर्स हमारे जब हमारे नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्याओं में जब हमारा ज़ीरो भी मिल जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है होल नंबर बन जाता है तो आपसे अब पूछा गया है दस हज़ार एक से ठीक पहले तीन पूर्ण संख्याएं लिखनी हैं मान लीजिए पाँच से पहले आपको पूछा जाए कितनी संख्याएं हैं पाँच से पहले आपको तो ये पाँच हैं एक हो गई हमारी चार दूसरी हो गई तीन और तीसरी हो गई दो तो हमने यहाँ पर सिर्फ इससे ये देखा कि हम जब पहले वाली संख्या निकालते हैं तो एक माइनस कर देते हैं यानी हमारी हर पिछली संख्या एक कम होती है और जो अगली संख्या होती है हमारी वो एक ज्यादा होती है तो अब हमें इससे पहले वाली निकालनी है तो हम घटा कर देंगे एक में से एक गया शून्य 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 और एक ये हमारी हो गई एक संख्या अब दूसरी निकालने के लिए हम इसमें से फिर एक माइनस कर देंगे जीरो में से एक नहीं जाता यहाँ से उधार लेंगे हालांकि इसके पास कुछ नहीं है लेकिन ये भी अपने पड़ोसी से लेगा इसके पास भी कुछ नहीं है ये भी अपने पड़ोसी से लेगा ये भी कुछ नहीं है ये भी इससे उधार लेगा तो यहाँ पर हमारे हो गए दस आ, दस दस में से एक गया नौ इसने पड़ोसी से लिया था यहाँ नौ रह गए इसने भी पड़ोसी से लिया था यहाँ नौ है इसने भी यहाँ से लिया था ये नौ है और क्योंकि इसने सबको ही उधार दिया था तो इसके पास शून्य रह गया अब हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा अगला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा नौ में से एक गया आठ नौ 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 तो हमारी दस हजार एक से पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं दस हजार है नौ और नौ है एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्लास सिक्स क्वेश्चन थ्री सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है पूर्ण संख्या हमारी तब होती है जब हम उसमें ज़ीरो को शामिल करते हैं जब हमारी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आगे तक गिनती चलती है तो हम उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं लेकिन जब उसमें हम ज़ीरो भी शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है होल नंबर्स कहलाते हैं बिना ज़ीरो संख्याएं हमारी होल नंबर्स नहीं कहलाती हैं तो अब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है आपको पता चल गई कि हमारी शून्य है हमारी गिनती जो है शून्य से चालू होती है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हुई क्लास सिक्स टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर चार बत्तीस और तिरपन के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं अब आपको यहाँ पर बत्तीस से लेकर के तरेपन तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो लिखनी हैं बत्तीस तैंतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन और ये तिरपन अब आपसे कहा गया है बत्तीस से लेकर तिरपन तक के बीच की संख्याएं आपको बतानी है यानी आपको बत्तीस और तिरपन को इसमें शामिल नहीं करना है आपको सिर्फ बीच की संख्याएं काउंट करके बतानी है आप इसे उंगली पर भी काउंट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो बत्तीस और तिरपन के बीच में हमारी जो संख्याएं हैं वो बीस हैं बीस संख्या एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्लास सिक्स क्वेश्चन नंबर पाँच निम्न के प्रवृत्ति लिखने हैं परवर्ती यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं सक्सेसर और इसका जो सक्सेसर का मीनिंग होता है वो होता है उत्तराधिकारी यानी आगे आने वाली परवर्ती का मतलब भी यही होता है आगे आने वाली संख्याएं जैसे मान लीजिए छ के आगे सात सात के आगे आठ आठ के आगे नौ नौ के आगे दस ये कहलाती हैं परवर्ती यानी हर अगली संख्या छः का परवर्ती सात छः का आठ नहीं कहेंगे छ का सात हर अगली संख्या जिसमें हम एक जोड़ देते हैं वो परवर्ती बनती है तो अब हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनके परवर्ती हमको लिखने हैं यहाँ हमें दी हुई है पहले चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ एक अब इसका प्रवृत्ति यानि अगली संख्या निकालने के लिए हमें एक जमा कर देना है इसमें एक और एक दो जीरो सात जीरो चार चार दो हमारा आंसर आया चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ दो इसी तरह इस संख्या का भी हमें प्रवृत्ति निकालना है परवर्ती निकालने के लिए हमें एक जमा करना है नौ और एक दस हासिल एक नौ और एक दस हासिल एक एक और एक दो जीरो जीरो एक आंसर आया एक लाख दो सौ अब हमें इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो हमें इस संख्या का भी परिवर्ती पता चल जाएगा नौ और एक दस हासिल एक 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 एक का एक ही एक और एक हमारा आंसर आया ग्यारह लाख अब हमें तेईस लाख पैंतालीस हजार छः सौ सत्तर का निकालना है सक्सेसर या परवर्ती संख्या तो हमको फिर से एक जमा कर देना है सात छ पाँच चार तीन दो हमारा आंसर आया तेईस लाख पैंतालीस हजार छः सौ इकहत्तर चैप्टर टू पॉइंट वन क्लास सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्न के पूर्ववर्ती लिखने हैं पूर्ववर्ती को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर का मत मतलब होता है पूर्वज पूर्वज यानी हमारे पिछले जो हमारी पिछली संख्याएं हैं हमको वो लिखनी है मान लीजिए आपको पांच की पिछली संख्याएं कहा जाए लिखने को तो पांच की पिछली संख्याएं हैं चार तीन दो एक और प्रीडिसेसर हमारा तभी निकलता है जब हम एक संख्या घटाते चले जाते हैं पांच का प्रीडिसेसर चार चार का तीन तीन का दो दो का एक हम हर संख्या में देख रहे हैं एक माइनस हो रहा है तो हमें प्रीडिसेसर प्राप्त हो रहा है तो इसी तरह हम इन संख्याओं का भी प्रीडिसेसर निकालने के लिए एक घटा करते चले जाएंगे नाइन्टी फोर का प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम एक घटा कर देंगे चार में से एक गया तीन नौ इसी तरह दस हजार का पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा कर देंगे शून्य में से एक नहीं जाता यहाँ से हासिल लेंगे नौ यहाँ से हासिल लिया ये भी नौ हो गया यहाँ से हासिल लिया नौ यहाँ से हासिल लिया नौ एक्चुअली मैं सबको यही उधार दे रहा था तो हमारा आंसर आया नाइन 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 जीरो में से एक नहीं जाता यहाँ हासिल ले लेंगे दस में से एक गया नौ इसने हासिल दे दिया था आठ शून्य आठ शून्य दो दो लाख आठ हजार नवासी माइनस एक कर देंगे इसमें से भी तो हमें पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाएगी एक में से एक गया जीरो दो तीन चार पाँच छ सात छिहत्तर लाख चौवन हजार तीन सौ बीस चैप्टर टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सात क्लास सिक्स संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटा या बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें आपको लिखना है अब पहला क्वेश्चन है फाइव और 503 पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये एक संख्या रेखा है मतलब इस पर हम संख्याएं लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और आगे संख्याएं हम लिखते चले जाएंगे लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हर हमारी संख्या जो दाई ओर जा रही है यानी सीधे हाथ की तरफ जो जा रही है वो संख्या बढ़ती चली जा रही है और जो संख्या बाई ओर है वो संख्या हमारी छोटी संख्या है जैसे चार के बाई ओर तीन है तीन के बाई ओर दो है दो के बाई ओर एक है तो हर अगली संख्या एक छोटी होती चली जा रही है तो यहाँ हमें यही कर बताना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के बाई ओर है तो हमें पता चल गया कि छोटी संख्या बाई ओर होती है 530 और 503 में से 503 छोटी संख्या है तो ये बाई और पांच सौ तीस के बाई और है तो हम लिखेंगे पांच तीन संख्या पांच तीस के बाई और है और दूसरा वो कहता है कि आपको चिन्ह लगाना है उपयुक्त चिन्ह तो आपको पता है जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या के लिए हमको ज्यादा मुंह खोलना होता है तो बड़ी संख्या ये है इसके लिए हम ज्यादा मुंह खोल देंगे और जो छोटी संख्या है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं हम इस तीन का क्वेश्चन तीन सौ सत्तर और तीन सौ सात में जो छोटी संख्या है वो तीन सौ के बाई ओर है छोटी संख्या 307 है तो ये तीन सौ सत्तर के बाई ओर है हम यहां लिख देंगे संख्या तीन सौ सात संख्या तीन सौ सत्तर के बाई ओर है और तीन सौ सात छोटा है तो इसकी तरफ हम मुंह बंद कर देंगे और 370 बड़ा है उसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे पार्ट सी अट्ठानवे और छप्पन के बीच में हमें बताना है कि कौन सी संख्या बाई ओर स्थित है पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों ही संख्याएं दस हजार तक हैं। इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार अब आप देखिए ये हमारा दस हजार के स्थान पर अट्ठानवे है और ये छप्पन है तो हमें इसे देखने से पता चला कि छप्पन हजार सात सौ नवासी जो है छोटी संख्या है और जो छोटी संख्या है वो बाई ओर स्थित होती है तो हम लिख देंगे संख्या छप्पन हजार सात सौ नवासी संख्या अट्ठानवे हजार सात सौ के स्थित है और जो छोटी संख्या है उसके लिए आपको पता है के मुंह बंद रखना है उसकी तरफ और बड़ी संख्या की तरफ हमें मुंह खोल देना है तो ये चिन्ह इस तरह लग जाए सॉरी ये छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद करना होता है ये बंद कर देंगे चलिए पार्ट डी हमें संख्या दी हुई है अट्ठानवे लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह और इधर दिया हुआ है एक करोड़ तेईस हजार एक पहले संख्या पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ये अठानवे लाख तक है और यहाँ लाख के बाद करोड़ भी दिया हुआ है एक करोड़ तो करोड़ हमारी ज्यादा होती है बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या हमारी ये है अठानवे लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह तो हम लिखेंगे अठानवे लाख तीस हजार चार सौ पंद्रह संख्या सौ एक करोड़ तेईस हजार एक के बाई ओर है और आप चिन्ह जो लगाएंगे बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला हुआ और बड़ी संख्या हमारी ये करोड़ वाली थी तो हम यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लिख करके लगाकर दिखा देंगे चैप्टर टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर आठ यहाँ आपको सत्य असत्य लिखने हैं कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है नहीं आपको याद होगा हमने बताया था प्राकृत संख्याएं हमारी एक दो तीन चार शुरू होती हैं और शून्य हमारा प्राकृत संख्याओं में नहीं आता इसलिए ये असत्य है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर पूर्वज पूर्व तो 400 संख्या तीन सौ का पूर्ववर्ती है 399 का पूर्ववर्ती यानी पहली संख्या हमारी इधर जो आएगी वो तीन होती है जबकि यहाँ कहा गया है 400 तो ये हमारा असत्य है और 400 हमारी इधर आती है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जी हाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और एक से पहले जब जीरो आ जाता है तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है शून्य से पहले कोई भी अंक नहीं होता तो ये हमारी बात सत्य है 600 सौ संख्या 599 सौ निन्यानवे का परवर्ती है परवर्ती यानी आगे की तरफ। 599 सौ निन्यानवे के इधर 600 सौ आता है तो ये बात बिल्कुल सही है सत्य सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जी हाँ जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं तो हैं ही एक दो तीन चार पाँच छः ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं तो ये पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं इसलिए ये सत्य है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं एफ पार्ट में पूर्ण संख्याएं यानी जीरो एक दो तीन चार जीरो भी आता है तो जीरो प्राकृत संख्याओं में नहीं आता तो सभी पूर्ण संख्याएं यानी जीरो से लेकर प्राकृत संख्याएं हैं नहीं क्योंकि जीरो आ गया उसमें इसलिए ये प्राकृत संख्या नहीं है असत्य दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है दो अंकों की पूर्ण संख्या मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या हमने ली दस और उसका पूर्ववर्ती यानी एक अंक पहले हमारा होता है नौ तो वो कह रहा है कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती लेकिन हमारी तो हो गई तो इसलिए यह बात असत्य एच एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या कब होती है जब हमारा शून्य शामिल हो जाता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है एक नहीं होता इसलिए यह असत्य है प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती पूर्व जीरो होता है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता वो होल नंबर में आता है पूर्ण संख्या में आता है इसीलिए ये जो कह रहा है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो प्राकृत संख्या नहीं होती पूर्ववर्ती इसलिए ये बात सत्य है एच एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या कब होती है जब हमारा शून्य शामिल हो जाता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है एक नहीं होता इसलिए ये असत्य है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता वो होल नंबर में आता है पूर्ण संख्या में आता है इसीलिए ये जो कह रहा है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो प्रकृत संख्या नहीं होती पूर्ववर्ती इसलिए यह बात सत्य है. जे पूर्ण संख्या एक का कोई नहीं होता है अब यहां ध्यान से देखिए पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या हमारी कब होती है जब जीरो आ जाता है उसमें तो पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता नहीं एक का पूर्ववर्ती शून्य होता है क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या होता है तो ये बात हमारी असत्य है पार्ट के पूर्ण संख्या तेरह संख्याओं ग्यारह और बारह के बीच में स्थित है तो ग्यारह और बारह के बीच में कोई संख्या नहीं है ग्यारह और बारह के बाद तेरह आता है तो बीच में नहीं आता इसलिए ये असत्य है एल पार्ट पूर्ण संख्या ज़ीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता जीरो से पहले कोई संख्या नहीं आती हमारी शून्य से ही हमारी पूर्ण संख्या चालू होती है तो इसलिए ये बात सत्य है एम दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की ही एक संख्या होती है मान लीजिए हमारी दो अंकों की कोई संख्या है निन्यानवे और उसका परवर्ती परवर्ती हमने बताया था आपको अगला अंक निकालने के लिए हम जमा एक कर देते हैं तो इसका परवर्ती हमारा आता है सौ दो अंकों की एक संख्या होती है नहीं हमारी तीन अंकों की संख्या भी बन जाती है तो इसलिए हम ये बात असत्य कहेंगे